हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं हम एक्सेल में? आज हम बारकोड जनरेट करना सीखेंगे। ये तरीका बहुत सिंपल है। गूगल पे चले जाइए और वहाँ पर कोड 39 फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे, code39.font.com पर जाइएगा, या फिर ऐसे भी सर्च कर लेंगे तो उसमें code39 फॉन्ट मिल जाएगा आपको। उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर जिप फाइल है तो उसे अनजिप कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका code39 आ जाएगा। अब जब code39 आ जाएगा तो काम बहुत सिंपल हो जाएगा आपका। जिसको भी आप चाहेंगे उसको बार कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये बार कोड ही जनरेट होकर आएगा इसके बदले। तो ये देखिए यहाँ पर अभी बार कोड नहीं आ रहा है क्योंकि इसे ड्रैग नहीं किया मैंने। तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए ये भी बार कोड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह का बार कोड हमको जनरेट करना है। तो अब देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए code39 डाउनलोड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये इस तरीके से ये मैंने लिख दिया एक नंबर, यहाँ से मैं बाहर हटा, इसको फिर सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको टाइप करना है, देखिए डाउनलोड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो code39 एंटर प्रेस कीजिएगा, ये देखिए बार कोड में कन्वर्ट हो गया। अब आप कुछ भी लिखिएगा तो ये बार कोड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर, ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया पाँचवा नंबर, ये हो गया छठा नंबर। तो ये छः नंबर लिख दिया हमने। अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर जा करके टाइप कर देता हूँ code39, क्योंकि अवेलेबल है तो यही फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो code39 टाइप करते ही ये बार कोड आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।